तेषु कालं तप्सा विशालं शान्तैकिशालं भौजालकालं चैतन्यमायाकल्लीनरालं श्रीमस्तनाथं सत्यं नमामि श्रीमस्तनाथं सत्यं नमामि। बोले सदाशिव भगवान शंकर भगवान की जय। मंचस्थ विराजमान आए हुए समस्त सम्मान के योग्य अतिथिगण, इस इलाके के समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबान, समस्त प्रतिनिधिगण, मेरे सम्मुख बैठे भारत के सम्मान के समस्त बुजुर्गों, मातृशक्ति भाइयों बहनों, परम हर्ष का विषय है कि आज आपके गांव में भगवान शिव परिवार की मूर्ति स्थापना हुई है। इस स्थापना के अवसर पर आप सभी के मान सम्मान रखते हुए महाराज जी के आदेशानुसार मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला, और यहाँ आने पर आपने जो मान सम्मान मुझे दिया उसके लिए आप बहुत बहुत, आपके लिए साधुवाद, बहुत बहुत आभारी, आपका अभिनंदन। देखिए भगवान शिव का ये जो प्रोग्राम है उस पर मैं अपनी बातों को उसी के इर्द गिर्द रखूं, क्योंकि आज का जो समय है और जिस युग में हम चल रहे हैं, जिस समय के दौरान से हम गुजर रहे हैं, ये एक ऐसा समय है कि अगर हम विगत 15 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले का जीवन और उस समय का समय पर अगर हम गौर करें तो कितना परिवर्तन आया है। आज समाज का किस तरीके से सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, आचरण के दृष्टिकोण से किस तरीके से परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन को रोकना होगा, उस पतन को रोकना होगा, अन्यथा हम किधर जाएंगे उसकी कल्पना करना भी जो है बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमें जो विरासत, हमारी संस्कृति की जो विरासत हमें मिली है, हमारे पूर्वजों ने जो हमें दी है, उसको संजो के रखने की जरूरत है। अगर हम अपने पैरों से एक बार उखड़ गए, वापिस वहां आने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जड़ का अपना महत्व है, जड़ जब तक पेड़ की जमी हुई होती है तब तक वो पेड़ हरा भरा रहता है, जड़ उखड़ने के बाद में वो गिरता है और गिरने के बाद में सूखता है। मेरा कहने का तात्पर्य कि जो कुछ भी हमारी इस सनातन संस्कृति के अंदर है उस पर डटे रहिएगा। पाश्चात्य संस्कृति का जो एक इन्फ्लुएंस आजकल चल रहा है वो एक चकाचौंध भरी, एक मायावी, एक काल्पनिक जीवन शैली है, लेकिन आप गौर करके देखिएगा कि वे लोग भी सने सने हमारी संस्कृति की तरफ लुभा रहे हैं, हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। महाभारत कालीन एक वाक्य आता है कि जब राजा परीक्षित के सामने कलयुग आता है और वो कहता है कि महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि के तहत मेरा समय हो गया आने का, तो परीक्षित ने कहा कि नहीं, मेरे रहते आप नहीं आ सकते हैं। तो बड़ा अनुनय विनय करने पर उन्होंने बताया, उन्होंने चार जगह राजा परीक्षित ने उनको कहा कि भाई आप यहां रह सकते हैं, इसके अलावा नहीं रह सकते, कि जहां जीव हिंसा होती हो, जहां मदिरा पान होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, और जहां पर स्त्री गर्म हो। साथ में इतने पर नहीं मानने पर उन्होंने एक चीज और रखी कि मानव अपने जीवन में जो कुछ भी धनार्पण करता है उसमें से धर्म कर्म के लिए कुछ निकाले। आज हम देखते हैं कि कलयुग का वास
इन्हीं चार पांच जगहों पर है। अगर इन चीजों से आप, इन जगहों से अपने आप को थोड़ा उठा लें तो आप पुनः उस सतयुगी जीवन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि जहां जीव हिंसा होती है उन लोगों की मेंटेलिटी कैसी होती है आप देखिए कि कितने निर्दयता होती है। जहां जुआ खेला जाता है उसको अपने बाल बच्चे तक का होश नहीं होता, जहां मदिरा पान होता है वहां की स्थिति देख लीजिएगा, वैश्यालयों की स्थिति देख लीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य, अपने आप को, अपने जीवन को इस तरीके से उठाइएगा, हमारे पूर्वजों के बताए मार्ग पर चलिएगा, एक विनय विनम्र भाव का जीवन, क्योंकि आज का जो वातावरण है उस वातावरण में ईगो, अपने आप में एक अभिमान सा आ गया है, और अभिमान देखो किसी का चलता नहीं है। बड़े बड़े विद्वान पुरुष हुए हैं, बड़े बड़े जो है हमारे पूर्वज देखो, ची रावण देखो, ची कंस देखो, ची कोई भी देख लो, और मैं ये कहूँ कि अभिमान तो साक्षात माया की देवी पार्वती जी का भी नहीं चला। एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी के सामने आकर के अड़ जाती है और कहती है कि हे देव, आप मेरे बगैर नहीं रह सकते, मेरे रूप के बगैर नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं देवी, ऐसा तो नहीं है। बोला हाँ, आप शंकर है तो मैं पार्वती हूं, आप विष्णु है तो मैं लक्ष्मी हूं, आप नर है मैं नारायणी हूं। उन्होंने सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भगवान शंकर ने ताड़ लिया इस बात को कि देवी का अगर अहंकार सिर चढ़ के बोल गया तो फिर तो जो है एक विनाश आना है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि देवी देखिए ऐसा है, जहां जहां आप हैं वहां वहां मैं जरूर हूं, लेकिन जहां जहां मैं हूं वहां आप नहीं हैं। बोला नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोला नहीं, ऐसा है। भगवान शंकर जी ने समय ताड़ा और एक बार भ्रमण करते करते हिमालय की कंदरा के पास में पहुंचे तो उन्होंने समय की नजाकत को समझते कहा कि देवी इस गुफा में जाइए और एक योगी तपस्वी है, आप उसके दर्शन करिएगा, तनिक तब तक मैं विश्राम कर लेता हूं। माता पार्वती उस एक मिनट उस प्रोग्राम उसमें गुफा में जाती है और जाने के बाद में देखती है कि उस गुफा के अंदर एक साक्षात सूर्य के तेज को समेटते हुए एक योगी साक्षात बैठे हुए थे, और जैसे ही वो अंदर गई उन्होंने अपनी माया का प्रभाव डाला, हर तरीके के हथकंडे अपनाए, निराश होकर के हार करके जब भगवान शंकर के पास में आती है तो उन्होंने कहा कि हे देव, आज तक इस त्रासर सृष्टि के अंदर ऐसा कोई देव नहीं है जहां जिसके ऊपर मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ता हो, ये कौन सी शक्ति आ गई। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये मेरा वही रूप है जिसके साथ आप नहीं हैं। तब कहा कि ये कौन सा रूप है। तब उन्होंने कहा कि अहम्मे वास्मि गोरख से मद्रूपम तन्निबोधते योग मार्ग प्रचाराय माया रूपम इदम दत्तम, कि मैंने योग के मार्ग को प्रचार प्रसार करने के लिए एक गोरक्ष का रूप धारण किया, और इस तरीके से भगवान गोरक्षनाथ जी का एक अवतरण हुआ और लोक कल्याणार्थ जो है वो अवतरण हुआ, और आज उसी परंपरा के अंदर, उस गौरवमाई परंपरा के अंदर बालकनाथ जी आते हैं, हम आते हैं, हमारे पूर्वज लोग आते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत मान सम्मान दिया, यहाँ के ग्राम पंचायत की भी कुछ विशेष मांगे थी, तो महाराज जी का प्रतिनिधि के रूप में मेरा यहाँ आना हुआ है, और उनकी तरफ से मैं यह आश्वासन भी देना चाहूँगा कि आपकी जो मांगे हैं वो निश्चित रूप से पूरी की जाएंगे। जैसा भी आप लोगों ने बताया है उन मांगों का निवारण होगा, और आने वाले टाइम में जब भी महाराज जी आएंगे वो अपने खुद के मुखारविंद से उनकी घोषणा करेंगे, और मुझे बोला भी था कि पेयजल की अगर समस्या है तो आप अपनी तरफ से भी कह सकते हैं,
तो अगर पेयजल की समस्या यहाँ है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि उसका जो है निदान तुरंत प्रभाव से पूरी तौर पे उसका होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी को, आए हुए समस्त भक्तजनों को महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद देना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ओम शांति, ओम शांति।